अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर टीपू सुल्तान, जी हाँ, आज फिर टीपू सुल्तान पर बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में दशहरा मनाया गया और खुसूसन मैसूर के दशहरा को दुनिया भर में एक पहचान, एक शनाखत हासिल है और दूर दराज से यहाँ तक बैरूनी ममालिक से लोग मैसूर का दशहरा देखने को आते हैं। एक और बात यहाँ काबिले तवज्जो हम बताना चाहेंगे, यकीनन भारत मुख्तलिफ मजाहिब तहजीब जुबानों का मुल्क है, तो सभी को अपने तौर पर अपने मजहबी रसूमात राष्ट्र पुरुषों के नाम पर जश्न मनाना जरूरी है और हमें भी खुशी है। अभी 22 तारीख से 3 दिन तक कित्तूर में कित्तूर उत्सव मनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इसका एहतमाम भी किया जा रहा है और होना भी चाहिए। हम भी रानी कित्तूर चन्ना माँ के उत्सव यानी जश्न में शरीक हैं, हमें खुशी है। पर पिछले कुछ अरसे से देखने को मिल रहा है कि तमाम तरह की खुशियां तो मनाई जाती रही है पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए देखा जा रहा है। कर्नाटक की जुबान कन्नड़ है, लिहाजा टीपू सुल्तान ने इसी कन्नड़ जुबान को जिंदा रखने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की है। आज जिस अजीम बादशाह को कन्नड़ मुखालिफ कहकर बदनाम करने की कोशिश करने वाले फिरका परस्तों को यह इल्म भी होना जरूरी है कि टीपू सुल्तान की हुकूमत में कन्नड़ सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। तमाम दस्तावेज कन्नड़ में हुआ करते थे, साथ में दरबारी जुबान के तौर पर फारसी भी इस्तेमाल की जाती थी। आज की तरह टीपू सुल्तान कभी किसी जुबान, मजहब, तहजीब की मुखालफ नहीं किया करते थे, बल्कि तमाम मजहब, धर्म, तहजीबों की कदर सुल्तान शहीद टीपू के दौर में हुआ करती थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कन्नड़ जुबान में लिखे गए ये खतूत हैं जो उनसे कतर में मराठा सिपहसालार परशुराम भावे ने श्रृंगेरी मठ पर हमला किया था और तमाम कीमती चीजों की लूटमार की थी, साथ में मशहूर मंदिर शारदा देवी को भी नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त बादशाह टीपू सुल्तान ही थे। उन्होंने कन्नड़ जुबान में खत लिखकर तमाम मंदिर की मरम्मत की जिम्मेदारी लेते हुए मंदिर को फिर से तामीर करने की बात उस वक्त के श्रृंगेरी मठ के जिम्मेदार को लिखी थी। टीपू सुल्तान के खतूत आज भी इस बात की दलील पेश करते हैं कि इन्हें कन्नड़ जुबान से कितनी मोहब्बत थी, लिहाजा दिगर जुबानों का लिहाज, इज्जत और कदर कीमत भी टीपू सुल्तान के दरबार में हुआ करती थी। खैर, आज इसका तस्करा करने की अहम वजह यह है कि सरकारी और गैर सरकारी तौर पर टीपू सुल्तान को महज मुस्लिम बादशाह होने की बुनियाद पर बुलाया जा रहा है। यह अलग बात है कि आसमान की तरफ थूकने से उनके चेहरे पर ही थूक गिर जाता है, लेकिन सवाल तो पूछना लाजिम हो जाता है, और सवाल क्यों ना करें, आखिर इस अजीम बादशाह को लेकर नफरतों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस कर्नाटक की पहचान टीपू सुल्तान से है, आखिर इसके नाम पर किसी भी इजलास का एहतमाम क्यों नहीं किया जाता। कुछ कन्नड़ तंजीमों में मुस्लिम इलाकों में कन्नड़ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कहते हुए बोर्ड उतारे जा रहे हैं। हुकूमत भी कन्नड़ के फरोग के लिए तमाम तरह की कोशिशों में लगी हुई है। यकीनन कन्नड़ सरकारी जुबान है और इसका इस्तेमाल तमाम सरकारी दफ्तरों के साथ बाजारों में, दुकान, फैक्ट्रियों के बोर्डों पर, तख्तियों पर होना जरूरी है। पर क्या जिस कर्नाटक की शान आज भी बरकरार है, उसी शेर हिंद टीपू सुल्तान को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? यह सवाल भी तो अपने आप में मायने रखता है। कुछ मुट्ठी भर फिरका परस टीपू सुल्तान को कभी हिंदू विरोधी तो कभी कन्नड़ विरोधी साबित करने में लगे हुए, तो क्या इनके दबाव में इस अजीम मुजाहिद आजादी को भुला दिया जाएगा? अब तो सरकारी किताबों से भी हटाने की साजिशें रची जा रही है। कभी कांग्रेस हुकूमत टीपू सुल्तान को लेकर यौम पैदाइश मनाने का ऐलान कर चुकी थी, अब वोट बैंक पर नजर रखते हुए टीपू सुल्तान पर खामोशी इख्तियार की जा रही है। भाजपा संघ परिवार तो पहले से ही टीपू सुल्तान के विरोधी है, और ये उनका काम है, क्योंकि भाजपा या संघ परिवार का कोई कभी मुल्क की आजादी में इनका किरदार रहा नहीं, और किसी तरह की कुर्बानी इन्होंने दी नहीं। खून बहाना तो दूर की बात, भाजपा या संघ विचारधारा के लोगों ने उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया है, लेकिन मुल्क की बदनसीबी है कि आज हुकूमत में बैठकर मुल्क में अंग्रेजों को भगाने के लिए पहली तलवार उठाने वाले टीपू सुल्तान से लेकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक इनकी नजर में देश विरोधी बन चुके हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक नहीं तो और क्या है? जहां टीपू सुल्तान ने अपने बच्चों को इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखा, अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए अपने बच्चों को गिरवी रखा था, वही बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों की गर्दनों को कटवाकर मुसलमान किस हद तक
इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं का सबूत दिया था, पर अफसोस सद अफसोस आज मुसलमानों की शनाख्त ही मिटाने की फिराक में उन्हीं अंग्रेजों के मुखबिर जो इख्तदार में बैठे हैं, अंग्रेजों की उसी शातिराना पैतरों को मौजूदा दौर की भाजपा या संघी विचारधारा के लोग करते देखा जा रहा है। और उसी का नतीजा ये हो रहा है कि जिसने अंग्रेजों को मुल्क से भगाने के खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और कहा कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, आज उसी शेर हिंद जिसके खून के कतरे इसी सरजमीन हिंद में जज्ब हुए हैं और खासकर कर्नाटका की सरजमीन जिसके खून से लहूलुहान हुई है, उसी शहीद का उत्सव मनाने में शर्म महसूस होती है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या टीपू मुसलमान था, इसके लिए तुम्हें उसका नाम लेना गवारा नहीं है? अफसोस तो मुस्लिम रहनुमाओं के साथ इस कौम के सियासी माहिरीन पर और इस कौम पर भी है कि टीपू सुल्तान को लेकर आवाज नहीं उठाई जाती। तमाम तरह के उत्सव जश्न मनाए जा रहे हैं, पर टीपू सुल्तान की ना तो यौम पैदाइश सरकारी तौर पर मनाई जा रही है और ना ही यौम शहादत मनाई जा रही है। टीपू सुल्तान ने फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहली तलवार उठाई और गुलामी और आजादी का एहसास भारत के लोगों को दिलाया, खासकर कर्नाटक की आवाम को दिलाया। उससे पहले किस तरह के हालात दक्षिण भारत में थे तारीख की किताबों में आज भी दर्ज है। आप भले ही टीपू सुल्तान को लेकर कितने ही नफरतों को अपने सीनों में लेकर टीपू के नाम का मातम करते रहो, लेकिन टीपू की सोच को आप खत्म नहीं कर सकते। इंसान को मारा जा सकता है, पर सोच को कभी मौत नहीं आती। पूरी दुनिया को जिसने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया वो था टीपू सुल्तान। आज दुनिया भर में मिसाइल के बलबूते पर दुनिया पर हुकूमत करने वाले ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना, इसराइल और भी जितने भी देश मिसाइल का रौब दिखाकर दुनिया को डरा रहे, वो सभी टीपू सुल्तान शहीद के एहसान मंद है। कोई संघी भगवादारी इस बात को माने या ना माने, पर हकीकत यही है कि दुनिया की पहली रॉकेट मिसाइल जो टीपू ने अंग्रेजों पर मारी थी उसकी दूरी 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक थी। इस तरह की टेक्नोलॉजी से लैस रॉकेट अंग्रेजों ने कभी देखा ही नहीं था। वैसे टीपू को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमेशा की तरह गद्दारों ने धोखे से काम लिया और टीपू सुल्तान शहीद हुए। और जब वो शहीद हुए तो उस रॉकेट को अंग्रेज अपने साथ ले गए, उसे रिवर्स इंजीनियर किया और विकिपीडिया पर लिखा। 4 साल बाद कोंगरीव नाम के शख्स ने उस पर तहकीक शुरू की। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टीपू सुल्तान ने इसी कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। लिहाजा उसे मैसूर से किताब भेजी गई जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन है। उस किताब के डायग्राम देखकर उस अंग्रेज ने दोबारा मिसाइल बनाई और हवा में उड़ा दी। मतलब दुनिया को पहला मिसाइल देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शेर हिंद टीपू सुल्तान था। सभी जानते हैं कि नासा की दीवार पर आज भी टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है। उस अंग्रेज को एहसास है कि दुनिया को पहली मिसाइल से नवाजने वाला टीपू सुल्तान ही था, पर यहाँ के ये भड़वाधारियों को टीपू का नाम लेने में शर्म आती है। खैर, एक बार फिर दशहरा हो या कित्तूर उत्सव और 1 नवंबर को जिसे राज्योत्सव के तौर पर मनाया जाता है, हमारी भी मुबारकबाद है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक नाम दिया गया, उससे पहले मैसूर रियासत ही कहा जाता था। मतलब इस रियासत की हर शय से टीपू का नाम जुड़ा हुआ है। मैसूर सल्तनत के बादशाह रह चुके टीपू ने अपने दौर को सुनहरे हर्फों में नक्श कर दिया है। महज कुछ लोगों की मुखालफत से इतने बड़े अजीम शख्सियत के नाम को जानबूझकर नजरअंदाज करना न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुल्क के उन तमाम मुजाहिदीन आजादियों की तौहीन है। उम्मीद यही करते हैं कि टीपू उत्सव भी मनाया जाए ताकि रियासत के साथ मुल्क की शान भी बरकरार रहे। बस यही गुजारिश। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।